नानक पातशाह जी दे अमृत ते मुबारक बचन सात संगत गुरु नानक ना मड़ी ना कबर गुरु अंगद के ही ये माहे कि जे तन गुरु नानक पातशाह जी नू खोजना ते किसे मड़ी या किसे कबर ते ना खोजियो। जे तन गुरु नानक पातशाह जी नू खोजना, जे गुरु नानक पातशाह जी नू तुसी लभना, ते फिर तन गुरु अंगद दे पातशाह जी दे हिरदे विच भाव गुरु अंगद देव साहब पातशाह जी दे अमृत विचारां दे विचों धन गुरु नानक साहब जी नू खोजन दा यतन करियो, क्योंकि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी अपनी जोत धन गुरु अंगद देव साहब जी दे अंदर टिका के गए ने। और ख्याल करियो, गुरु एक जोत ते जुगत दा सुमेल है। गुरजोत जुगत दा वासा सिख दे हिरदे विच ही हो सकदा है। अखरां विच लिखी होई जोत जुगत जिस वेले सिख हिरदे विच वस के विचार बनती है, फिर बचन ते कर्म बनती है, विचार सिमरन बनता है, करनी सेवा बनती है, तां इह जोत जुगत ऐसा रंग विखाउंदी है कि वेख के जगत हैरान हो जांदा है। फिर इस गुरु जोत दा असल टिकाणा सिख दा हिरदा बन जांदा है। कोई सिख इस भरम विच ना पए साध संगत कि गुरबाणी नूं सुंदर रुमालियां विच लपेट के रखिया जाएगा ते सतगुर दी बड़ी खुशी मिलेगी, या मैं बड़ा सच्चा ते सुच्चा सिख बन जावांगा। नहीं, वह बिल्कुल भी सिख नहीं हो सकता जिहड़ा बाहरी तौर ते सतगुर दा हर तरह दा सत्कार करे ते जदों गल हुक्म मनण दी आवे उदों हुक्म मनण तो इनकारी हो जाए। शायद इसे करके सतगुर ने पावन बाणी दे अंदर ये बचन कहे सन जो तुसी आसा दी वार विचों अक्सर पढ़दे भी हो। पातशाह जी कहिंदे ने, जे सिख गुरु दे चरणा दे अंदर निवदा है, ते निवण दा मतलब ये नहीं कि वह सिर्फ गुरु दे चरणा दे अंदर बाहरी तौर पर सतगुरु नूं नमस्कार करे। एक बचन तुसी बाणी विचों पढ़दे हो, तुद नो निवन मनण तेरा नाम, तेरे अगे निवना की है, तेरे नाम नूं मनना। एक बड़ी प्यारी गल है, सात संगत गल होर समझ विच आएगी। एक महात्मा ने उन्दे अपने कुछ चेले जिन्हां ने बड़ा लम्मा समा पा के अपने गुरु दे कोलों सिखिया लई, पर उन्हां ने गुरु दी विचार नूं बाहरी तौर ते अंतरीव तौर ते मनण दी बजाए सिर्फ जदों धर्म दा भेख धारण ते शरीर ते धारण किया, उन्होंने उस भेख नूं ही धर्म मतलब समझ लिया भी ये भेख ही साडा धर्म है। वह गुरु बड़ा हैरान सी। बड़ी कमाल की गल है, मैं इन्ने साल इन्हां नूं बड़ी गहरी सिक्ख्या दित्ती है, पर इस सिक्ख्या दा इन्हां दे उत्ते कोई असर नहीं, इह ते सिर्फ बाहरी भेख दे नाल ही जुड़ गए ने। उस गुरु ने उन्हां चेलियां नूं समझाण दे लई एक बड़ी प्यारी जुगत बनाई। उसने एक दिन एक गधा लिया ते गधे नूं गंगा दे विच इशनान करन दे लई लै गया, गंगा दे विच खड़ा कर दिता पानी दे विच। हुण मल मल के उन्हूं नुआ रहा धो रहा, लभदे लभदे चेले भी उधर आ गए। चेलियां कहा, महापुरखो ये की कर रहे हो? महात्मा ने कहा, गंगा दा इशनान करवा के गधे नूं गां बनाउण दा यतन कर रहा। चेलियां ने कहा कि महाराज, ये भी कदी हो सकदा है, होवे गधा ते गधे नूं पानी दे विच इशनान कराया जाए, बेशक वह गंगा ही है, गधा तो गधा ही रहेगा, गधा गां ते नहीं बनेगा। मुरशद ने कहा कि इस दा ना ही मैं गां रख देंगा, चलो जे ना नवा के गां बनिया तो फिर मैं एक काम करना, इंदा ना अज तो बाद गधे की थां ते मैं गां कहना पुकारना शुरू कर देना, अज तो बाद ये गां है, इनू मैं गधा नहीं आखांगा। मुरशद ने जदों इन्नी गल आखी तो उस वेले सेवक जिहड़े सन जिहड़े चेले सन उन्होंने फिर आख्या, महाराज कदी इस तरह भी हो सकता है भी किसी का नाम बदल दिए ते नाम बदलन दे नाल उन्दी काया भी बदल जाए, उन्दे कर्म भी बदल जान। मुरशद ने जदों इन्नी गल सुनी कहन लगा, भलिया जे ये नवाण दे नाल गधा गां नहीं बनेगा, जे सिर्फ नाम बदलन दे नाल एक गधा गां नहीं बनेगा, फिर तुसी मैनू ये दसो भी इन्नी लम्मी सिक्ख्या हासिल करके जे सिर्फ तुसी मत्थे ते तिलक ला के ते बाहरी तौर ते रब दा नाम परमात्मा दा नाम दिखावे मात्र संसार दे सामने रख के ये आखदे हो भी असी धर्मी बन गया, नहीं, धर्म अंदर तो कमाया जांदा है।
धर्म दिखावे दा नाम नहीं, पेख दा नाम नहीं है। मुरशद ने जदों इन्नी गल आखी उह सारे चेले अपने गुरु दे चरणां दे विच डिग पए, कहिंदे अज सानूं गल समझ विच आई। असल विच गुरु पातशाह धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ी एक विचार आपां सुणदे वी आ वी गधे दे उत्ते शेर दी खल पा के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने प्रतख उदाहरण अपने सिखां दे सामने रखी सी कि भलिओ गधा गधा ही रहिंदा है भावें उहदे उत्ते शेर दी खल क्यों ना पा दित्ती जाए। बड़े प्यारे बचन सतगुरां ने बख्शिश किए ने अकाल उस्तत दे अंदर। साहब कहिंदे ने खूक मलहारी गज गदहा बीबूत धारी, गिदवा मसान बास करियो ही करत है, कुगू मठ बासी लगे डोलत उदासी, मृग तरवर सदीव मौन साधे ही मरत है, अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान को बिहीन छिन कैसे कह तरत है। जे अंदर ज्ञान नहीं तो फिर वह किवें तरेगा, नहीं तर सकता उन्नी देर तक सात संगत, जिनी देर तक वह अंतरों उस गुणा दे नाल उस ज्ञान दे नाल नहीं जुड़ता। तां ही साहब गुरु नानक साहब जी दे इतिहासिक बचन कि बाबा ना मरी ना गोर गुर अंगद के ही ये माहे, कि गुरु नानक साहब जी नूं किसे मड़ी जां किसे कबर दे विच ना खोजो। जे गुरु नानक साहब जी नूं खोजना है तो फिर धन गुरु अंगद देव पातशाह जी के हिरदे दे विचो खोजो। भाव गुरु अंगद देव साहब पातशाह जी जिस विचार नाल जुड़ के लहने तो अंगद बने ने, उस विचार दे नाल जुड़ो तां तुहाडे जीवन दे विच परिवर्तन आएगा, तां तुहाडा जीवन बदलेगा। तो बाहरी तौर पर सिर्फ दिखावा, बाहरी तौर पर सिर्फ पेख, उन्दे नाल जीवन का अंतरीव भाव नहीं बदलता। इस करके बाणी का